नमस्ते विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का मैं एनपी सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो हम प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं वो साजा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि साजा कौन था। चले, साजा का जो शासन है वो 1627 से लगाकर 1658 ईस्वी तक रहता है। साजा का जो शासन है वो 1627 ईस्वी से लगाकर 1658 ईस्वी तक रहता है। साजा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है कि साजा का जन्म, साजा के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो प्रारंभिक जीवन साजा का जन्म है। साजा का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर नामक स्थान पर हुआ था। साजा की जो माता थी वो मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। का नाम जगत गोसाई, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है। पिता का नाम बचपन का नाम जहांगीर का सलीम था। शाहजा के जो बचपन का नाम था, बचपन की अगर बात करें तो उसके माता पिता बड़े प्यार से शाहजा को खुर्रम कहते थे। क्या कहते थे? खुर्रम शाहजा के बचपन का नाम था। जगत गोसाई है वो मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री या बेटी थी, जिसके साथ में जहांगीर की शादी हुई थी। और इसी जगत गोसाई का बेटा खुर्रम था, वो एक दिन दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। जैसे ही खुर्रम का जन्म हो जाता है तो जहांगीर के जो दरबारी हैं, दरबारियों के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि ये खुर्रम है वो विश्व विजेता बनेगा। क्या बनेगा? विश्व विजेता बनेगा। और बाद में उसका प्रयास भी ये करता है शाहजहां। आगे साजा के बारे में बात करें तो साजा की जो शादी है जिसको बोलते निखा, साजा का जो निखा है वो 1612 ईस्वी को जहांगीर की पत्नी नूरजा, जिसे नूरजा मेहरुनिसा उसका असली नाम था, उसे नूरजा की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी जो खुर्रम के पिता थे। इसी नूरजा का एक भाई था आशफ खां, जो नूरजा गुट का सदस्य था। और इसी आशफ खां की बेटी
अर्जुन अर्जुन मंद, बानो बेगम बेगम, अर्जुन मन बानो बेगम के साथ में जागीर का निकाह हुआ था। जो आशफ खां की बेटी थी अर्जुन मंद बानो बेगम के साथ में उसकी शादी हुई थी। किसकी? शाहजा की। ये साजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साजा के बारे में यहां तक हमने जानकारी। अगर साजा के राज्याभिषेक की बात करें, राज्याभिषेक इधर 1627 में साजा के पिता जहांगीर गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, तो नूरजा जुंटा गुट में यह बात फैलने लगती है कि आने वाला शासक कौन बनेगा। तो कहीं कहते हैं कि बनेगा नहीं, इसको बनाया जाएगा। या तो नूरजा किसको शासक बनाएगी? अपने लाडली बेगम का पति सरयार को बनाएगी, ये भी जागीर का पुत्र था। और आशफ खां बनाएगा अपने दामाद खुर्रम को, ये भी जहांगीर का पुत्र था। तो नूरजा जुंटा गुट में 1622 में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है और ये टूट जाता है। अब इसके बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं, अभी बात करेंगे इसमें। 1627 में जहांगीर गंभीर रूप से बीमार हुआ, तब साजा कहाँ थे? दक्षिण भारत के अंतर्गत थे। क्या थे? दक्षिण भारत में साजा थे। खुर्रम दक्षिण भारत के अंतर्गत कहाँ? तो इस साजा क्या, साजा के ससुर एक कूटनीति साल रचते हैं। कूटनीति के द्वारा, कूटनीति को अपनाया जाता है। वो उस समय जागीर की मृत्यु मृत्यु हो जाने के बाद खुर्रम, यानी जो खुर्रम के ससुर आशफ खां है, वो राजगद्दी पर खुसरो के बेटे द्वारबक्ष को, द्वारबक्ष था उसको बिठाते हैं। ये उसकी कूटनीति साल थी। फिर इसके बाद में द्वारबक्ष को द्वारबक्ष को बक्ष द्वारबक्ष को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। उस समय साजा दक्षिण भारत के अंतर्गत विराजते थे। आशफ खां ने साजा को बुलाया कि ये राजगद्दी आपका इंतजार कर रही है, आप पधारो। साजा अपनी विशाल सेना लेकर आगरा आता है। कहाँ आता है? उस समय मुगल शासक दो जगह से संचालित होता था, एक दिल्ली से होता था तो दूसरा आगरा से। दो जगह से उस समय मुगल शासन संचालित हुआ करता था। साजा अपनी दक्षिण भारत से आगरा आता है। उस समय आगरा पर जो शासन, यानी राजगद्दी पर द्वारबक्ष था, जो खुसरो का बेटा था द्वारबक्ष। आते ही वो द्वारबक्ष की करता है हत्या। क्या करता है? हत्या। और हत्या करने के बाद साजा का, जो साजा के राज सिंहासन की बात करें तो साजा का राज्याभिषेक हुआ था 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा के अंतर्गत हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आगरा में 4 फरवरी 1628 ईस्वी को साजा का राज्याभिषेक हुआ होता है। चलो, जन्म 5 फरवरी 1592 को लाहौर में। माता का नाम जगत गोसाई, जोधाबाई के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। पिता का नाम जहांगीर, बचपन का नाम सलीम था उनका। जहांगीर साजा के बचपन का नाम खुर्रम है। दरबारी खुर्रम के जन्मदिन पर एक भविष्यवाणी, जन्म पर भविष्यवाणी करते हैं ये विश्व विजेता बनेगा। उनका निकाह है 1612 में अर्जुन मन बानो बेगम से हुआ था, जो आशफ खां की बेटी थी। उनका राज्याभिषेक 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो साजा दक्षिण भारत के अंतर्गत विराजते थे। तो
फिर द्वारबक्ष को वहाँ का शासक बनाया गया कूटनीति शाल के द्वारा। साजा का राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ था। आगे इतिहास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आगे इतिहास में जानकारी मिलती है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में अर्जुंदमन बानो बेगम, जिसे इतिहास में मुमताज महल कहा जाता है, शाहजहां ने इसी मुमताज महल की याद में 1631 ईस्वी में एक भव्य इमारत बनाई, जो जिसे कहते ताजमहल। 1631 में ये काम प्रारंभ हुआ और 1653 ईस्वी में ये काम समाप्त हुआ था, ताजमहल का निर्माण कराया। ये ताजमहल है वो आगरा में है और आगरा में एक नदी है जिसका नाम है यमुना नदी, के दाहिने किनारे पर ये ताजमहल बना हुआ है। 1653 में ये काम, ताजमहल बनाने का काम पूरा हुआ था। इतिहास में जानकारी मिलती है कि इसी ताजमहल को बनने में 22 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का समय लगा? 22 वर्ष का। उस समय पैसे खर्च हुए 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कितना? 9 करोड़। उस समय शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए खर्च किए थे। इसलिए एक इतिहासकार ने ठीक ही कहा है कि धन दौलत का सहारा लेकर बनाया था ताज, और गरीबों की मोहब्बत और प्रेम का उसने उड़ाया मजाक। एक इतिहासकार ने ठीक कहा है। इस ताजमहल को बनाने के लिए जो पत्थर का प्रयोग किया गया था वो संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया। ये पत्र राजस्थान के नागौर जिले के मकराना नामक स्थान से इस पत्र को लाया गया था। ये संगमरमर के पत्थरों का यह ताजमहल बनाया था शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज महल की याद के अंतर्गत बनाया था। ये नारी तत्व का एक स्मारक तत्व भी कहा जाता है। ये प्रेम का मक्का भी उसको कहीं नामों से इतिहासकार ने उसको संबोधित भी किया है कि भी इसने ये बनवाया था। ताजमहल बनाने का मुख्य वास्तुकार था अहमद लोहारी। कौन था? अहमद लाहौरी। ये मुख्य वास्तुकार था ताजमहल का, अहमद लोहारी। ताजमहल किसने इस्ताद और बहुत सारे इन्होंने इसको बनाया था। ताजमहल बनना 1631 में प्रारंभ हुआ, 1653 ईस्वी तक 22 वर्ष का समय लगा, 9 करोड़ रुपए खर्च हुए। ताजमहल आगरा में स्थित है, आगरा में है, यमुना नदी के दाहिने किनारे पर है। इसने ये मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। आगे इतिहास में जानकारी मिलती है शाहजहां के बारे में कि यही मुमताज महल है वो 1631 ईस्वी में अपने सहोदवे बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। सहोदवे बच्चे, उसकी 14 संतान थी। मुमताज महल की कितनी संतान थी इतिहास में जानकारी? 14 संतान थी। कितनी? और इसी 14 संतान को जन्म देते समय उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मुमताज महल की 14 संतानों में से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। अर्जुंदमन बानो की बेगम के बारे में अपन बात करें शाहजहां की, तो इसके
चार सात संतान जीवित थी। कितनी? सात संतान जीवित थी, 14 संतानों को जन्म दिया। इस सात संतानों में चार पुत्र थे कि एक पुत्र का नाम मुराद, सूजा, दाराशिको, औरंगजेब, इसके चार पुत्र थे। पुत्रियों की अगर बात करें साजा की पुत्रियों की अगर बात करें जहाँआरा, रोशन आरा, गोहन आरा, आरा, ये शाहजहाँ की पुत्रियों के नाम जहाँआरा, रोशन आरा और गोहन आरा। पुत्र में मुराद, सूजा, दारा शिकोह और औरंगजेब थे, ये इतिहास में जानकारी मिलती है। साजा के दुर्भाग्य की बात देखो कि साजा को अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष हैं वो बंदी गृह के रूप में गुजारने पड़े, क्योंकि औरंगजेब ने साजा को ताजमहल में एक सहा बुर्ज में उसको बंदी बना के रखा था 8 वर्ष तक। अंतिम 8 वर्ष साजा के बंदी गृह के रूप में साजा के संदर्भ में अगर बात करें तो शाहजहाँ ने अपने जीवन के जो 8 वर्ष थे आगरा किले के शाहबुर्ज नामक स्थान पर बंदी गृह के रूप में गुजारे थे। बंदी गृह के रूप में 8 वर्ष गुजारे, जो उसके बेटे औरंगजेब ने उसको बंदी बनाया था। जब साजा को बंदी बनाया गया था आगरा के दुर्ग के अंतर्गत, तो फिर उस समय साजा की सेवा में उसकी बेटी जहाँआरा साजा की सेवा करती थी। तो कई इतिहासकार ने कहा है कि साजा का अपनी बेटी जहाँआरा के साथ में प्रेम संबंध था। ये कई इतिहासकार अलग अलग मतभेद हैं। चलो आगे साजा के संदर्भ में अगर हम बात करें, साजा के संदर्भ में अगर हम बात करें, साहब ने बंदी गृह के रूप में उसने गुजारा। मुगल काल में एक पहला अवसर आता है, मुगल काल में एक पहला अवसर आया जिसमें एक शासक शासक को अपने राज सिंहासन से हटाकर बंदी गृह के में राज सिंहासन से हटाया गया, उसे बंदी बनाया गया। वो शासक कौन था? शाहजहाँ। कौन था? शाहजहाँ। द्वार बक्ष को बलि का बकरा कहा जाता था क्योंकि उसको बलि का बकरा बनाया गया था। ये साजा के संदर्भ में हमने बात की। जैसे ही साजा राज सिंहासन पर बैठता है, 1667 ईस्वी में 1667 ईस्वी में साजा की 1667 ईस्वी में साजा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी साजा को ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के पास दफनाया जाता है। कब्र के पास दफनाया गया था। ओके, देखो ये अपने हम इसके बारे में अपन ने बात की है। जैसे ही साजा दिल्ली या आगरा के राज सिंहासन पर बैठते हैं 4 फरवरी 1628 में, तो कई विद्रोह उस समय शुरू हो जाते हैं।
तो किस किस शासक ने शाहजहाँ के समय विद्रोह किए थे? विद्रोह की बात करें, शाहजहाँ के शासनकाल में विद्रोह, शाहजहाँ का विद्रोह, शाहजहाँ का विद्रोह की अगर हम बात करें, शाहजहाँ के समय जो पहला विद्रोह हुआ था वो 1628 ईस्वी में, वो किया था वीर सिंह जुजार सिंह बुंदेला और उसका बेटा विक्रमजीत सिंह ने विद्रोह किया 1600। इस विद्रोह का कारण था कि इस जुजार सिंह बुंदेला विक्रमजीत ने जनता से अथा कर लिया। क्या लिया? कर। तो शाहजहाँ को ये अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि इसके द्वारा जो भी इन जुजार सिंह बुंदेला विक्रमजीत सिंह के द्वारा जो कर लिया गया है उसकी जांच करवाई जाए। तो यह बात जुजार सिंह बुंदेला विक्रमजीत सिंह को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने 1628 में विद्रोह कर देते हैं। लेकिन 1629 में आत्मसमर्पण किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से विद्रोह शांत नहीं होता, लेकिन पूरी तरह से यह विद्रोह 1635 ईस्वी में ये शाहजहाँ आदिवासियों के द्वारा इन दोनों पिता पुत्र की क्या करवाता है? हत्या। और फिर इसके बाद में ये विद्रोह भी समाप्त हो जाता है 1628 में आदिवासियों के द्वारा जुजार सिंह बुंदेला और विक्रमजीत सिंह की हत्या करवाई गई थी शाहजहाँ ने। दूसरा विद्रोह शाहजहाँ के समय होता है। दूसरे विद्रोह की अगर हम बात करें, दूसरा विद्रोह शाहजहाँ के समय जो दूसरा विद्रोह होता है, विद्रोह वो भी 1628 ईस्वी में होता है। और विद्रोह करने वाला कौन था? खानेजा लोदी या पीर खान, ये विद्रोह कर देता है। इसी खानेजा लोदी और पीर खान को ये शाहजहाँ माधो सिंह के द्वारा मरवाता है, माधो सिंह के द्वारा हत्या करवा दी 1631 ईस्वी में। और ये विद्रोह भी क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया? समाप्त। दूसरा विद्रोह शाहजहाँ के समय 1628 में खानेजा लोदी पीर खान ने किया था। बाद में यही शाहजहाँ माधो सिंह के द्वारा 1631 ईस्वी में उसकी हत्या करवाने के बाद ये विद्रोह भी पूरी तरह से शांत हो जाता है। शाहजहाँ के अगले विद्रोह की बात करें तो शाहजहाँ का जो अगला विद्रोह है वो सिख धर्म के प्रवर्तक हरगोविंद के साथ एक बाज को झगड़े को लेकर हुआ था। बाज के झगड़े को लेकर उनका जो तीसरा विद्रोह है वो सिख धर्म के प्रवर्तक हरगोविंद सिंह के साथ में हुआ था। बाज के झगड़े को लेकर विद्रोह हुआ था। एक दूसरा दोनों सिख धर्म और शाहजहाँ के मध्य सिख गुरु हरगोविंद सिंह और शाहजहाँ के मध्य दूसरा कारण था गोविंदपुर शहर को लेकर विद्रोह हुआ था। दो कारण उस समय हुआ करते थे कि सिख धर्म के गुरु हरगोविंद और शाहजहाँ के मध्य एक बाज के झगड़े को लेकर या गोविंदपुर शहर को लेकर दोनों के मध्य विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। चौथा विद्रोह शाहजहाँ के समय में
हुआ था, पुद्गालियों के द्वारा विद्रोह किया गया। ये पुद्गाली एक व्यापारी थे जो साजा के शासनकाल के अंतर्गत आए थे, वो सूरत में उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो साजा ने उस पुद्गालियों को चारों ओर से बंदरगाह, सूरत बंदरगाह को घेर लिया, उस विद्रोह को दबा दिया था। पुद्गालियों का विद्रोह 1632 में हुआ था। 1632 में पुर्तगालियों ने विद्रोह किया था। 1632 महाबो के संपत राय ने भी साजा के समय विद्रोह किया था। फिर ये विद्रोह सुलझ गया था। ये विद्रोह हुआ, पहला विद्रोह 1628 में, दूसरा विद्रोह 1628 में ही हुआ था, तीसरा विरोध हर गोविंद और मुगल शासकों के मध्य हुआ था, साजा के मध्य हुआ, चौथा विद्रोह 1632 में पुद्गाली के मध्य हुआ था। इतिहास के संदर्भ में बात करें तो साजा के बारे में जानकारी मिलती है कि साजा ने इलाई सुवंत के स्थान पर हिजरी सुवंत चलाया था। किसने, आपका प्रश्न आ जाए कि हिजरी सुवंत किसने चलाया था, हिजरी संवंत चलाया था, संवंत किसने चलाया था, साजा ने। आगे साजा के बारे में जानकारी मिलती है कि साजा ने पायबोस व सिजदा प्रथा को समाप्त की और उसके द्वारा एक नई प्रथा चलाई, वो तस्लीम की प्रथा को प्रारंभ किया था। 1637 और 37 के अंतर्गत उन्होंने तस्लीम की प्रथा को प्रारंभ किया था। आगे साजा के बारे में एक जानकारी प्राप्त होती है कि साजा के समय कई विदेशी यात्री भारत में भ्रमण करने के लिए या व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। वो कौन कौन से थे साजा के शासनकाल में, साजा के शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? साजा के शासनकाल में इटली से आए थे, वो विदेशी यात्री कौन थे? इटली से विदेशी यात्री आया था पीटर मुंडी। कौन आया था? पीटर मुंडी नामक विदेशी यात्रा आया। दूसरा आया था मनुसी, फ्रांस से आया था। वो कौन थे? फ्रांस से कौन कौन से आए थे साजा के शासनकाल में विदेशी यात्री? एक आया था फ्रांसा बर्नियर, ट्रेवेनियर और बर्नियर, बर्नियर और ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर, दो फ्रांस विदेशी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर आए थे। इटली के पीटर मुंडी और मनुसी आए थे और फ्रांस के बर्नियर और ट्रेवेनियर, ट्रेवेनियर नामक इतिहास, यानी ये भारत के अंदर साजा के समय आए थे विदेशी यात्री। आज हमने साजा के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त की, प्रारंभिक जीवन के बारे। कल हम अगले वीडियो के अंतर्गत साजा के दक्षिण भारत के विजय अभियान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब के लिए मैं धन्यवाद।